प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनको लालकृष्ण आडवाणी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री को लेकर बोल दी बहुत बड़ी बात। लालकृष्ण आडवाणी ने 1990 की वो रथ यात्रा का जिक्र किया, इसके बाद राम मंदिर आंदोलन ने पकड़ लिया था जोर, जिसका परिणाम है कि आज रामलला हो रहे हैं विराजमान। राम मंदिर का निर्माण नेति ने किया तय, लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी को लेकर जो कहा उसे सुनकर विपक्ष को लग जाएगी मिर्ची। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रधर्म पत्रिका के अगले सप्ताह प्रकाशित होने जा रहे संस्करण में एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि नीति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमित किया था। राम मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति शीर्षक से लेख में 96 वर्षीय आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 33 वर्ष पहले निकाली गई रथ यात्रा का जिक्र किया और कहा कि उनका मानना है कि उनकी राजनीतिक यात्रा में अयोध्या आंदोलन सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहे भाजपा के इस दिग्गज नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वो अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उनके अनुपस्थिति महसूस कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है कि 25 सितंबर 1990 की सुबह जब हमने रथ यात्रा शुरू की थी, तब हमें नहीं पता था कि भगवान राम के प्रति जिस आस्था के साथ हम ये रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं वो देश में एक आंदोलन का रूप ले लेगी। 76 वर्ष पुरानी हिंदी पत्रिका राष्ट्रधर्म के 16 जनवरी को विशेष संस्करण में प्रकाशित होने वाले लेख में आडवाणी ने उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रथ यात्रा के दौरान उनके साथ थे। तब वो बहुत प्रसिद्ध थे नहीं, और लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपने भक्त मोदी को चुन लिया था। उस समय मुझे लगा कि नीति ने तय कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि खैर अब ये केवल कुछ समय की बात है। आडवाणी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला की मूर्ति का अभिषेक करेंगे तो वो भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुण को अपनाने के लिए प्रेरित करता रहे। वैसे लालकृष्ण आडवाणी के इस लेख पर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।